जय भैरवनाथ जी की मित्रों, तो अभी हम हैं केदार घाटी में। कल आपने देखा श्री केदार जी के दर्शन, उनका भव्य मंदिर और वहाँ का माहौल कैसा था। तो अभी हम हैं जा रहे हैं भैरवनाथ जी के मंदिर में। कहते हैं कि केदार जी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करने भी ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे हमने उतार दिए हैं चप्पल, काफ़ी ठंड है फर्श, और फर्श में पड़ा है काफ़ी तेल ही तेल, क्योंकि तेल यहाँ पर चढ़ता है भैरवनाथ जी पे। तो काफ़ी ऊंचाई पे है, केदार मंदिर से भी ऊंचा। और यहाँ पर काफ़ी सुंदर यहाँ से नज़ारे दिखते हैं, और काफ़ी ठंडी हवा यहाँ पे चलती है। फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा है, सॉक्स पहनने के बावजूद भी बहुत ठंड लग रही है। और काफ़ी श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए हैं। आओ आओ, मौसम बिल्कुल साफ और सुंदर, बादल बिल्कुल भी नहीं आज आसमान में। श्रद्धालु लोग कर रहे हैं यहाँ पर पूजा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़े पत्थर में ही मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, आकृतियाँ बनाई गई हैं, काफ़ी सुंदर ये लग रहा है। तो यहाँ पर अब हम भी तेल चढ़ा लेते हैं। नीचे है हेलीपैड, लगातार जहाँ से चॉपर आ रहे हैं जा रहे हैं। तो सुबह सुबह धूप काफ़ी अच्छी खिल गई है, अब थोड़ा सा यहाँ से भी वीडियो शूट करते हैं। देख सकते हैं पूरी केदार घाटी जैसे कि एक नदी में बसा हो, इस तरह से दिखता है। और नदी ऐसा लग रहा है दूर से काफ़ी सूखी है, पानी नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत पानी आ रहा है। तो जी अब हो चुके हैं भैरवनाथ के भी दर्शन, और हो गई है यहाँ से वापसी। आओ ब्यूटी बन रही, लेकिन धूप की वजह से चेहरा नहीं दिख रहा। तो यहाँ से कम चार पांच जगह से नदियाँ आ सकती हैं बरसात में। तो आप देख सकते हैं कि क्या हाल होगा, क्योंकि पूरा केदार घाटी नदी में जैसा बसा है। तो अब हम पहुँच गए यहाँ पे भंडारे पे, जो है अलवर भंडारा। और यहाँ पे हम करेंगे आज प्रसाद ग्रहण करेंगे, भंडारा ग्रहण करेंगे। तो मिल चुका है भंडारा, साथ में स्वीट डिश भी, जो काफ़ी स्वादिष्ट भी था। टाइम हो चुका है 9:30 और भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है मंदिर में। अब तो पता नहीं जो श्रद्धालु अभी लाइन में लगे हैं उनका नंबर कब ही आएगा। तो हम फिर से बढ़ते हैं भीमशिला की तरफ। तो यहाँ पर बहुत से साधु लोग बैठे हुए हैं दान दक्षिणा के लिए भी, और बहुत से लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। तो इसी से परेशान हो गए कुछ साधु, यहाँ पर क्रोधित भी हो जाते हैं मांस खाने वाले। बाबा जी को गुस्सा आ गया, एक तो लोग यहाँ पे खाली सेल्फी खींचने आ रहे हैं, दक्षिणा कोई देख नहीं रहा उनके है। बाबा अलग गुस्से में आए।
ये थी भीमशिला जिसने केदारनाथ मंदिर को केदारनाथ मंदिर में ज्यादा सैलाब आने से रोका। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ लोगों में लड़ाई भी हो रही है। यहाँ पे माहौल काफी गर्म भी रहता है। यहाँ का मौसम जितना ठंडा है माहौल उतना गर्म। चलते हैं यार, बाप रे माहौल गर्म हो रहा है यहाँ तो। इतिरल कौन सी टीम है अभी? अब जा रहे हैं हम गंगा जल भरने। बहुत लंबा पानी बोल रहा। अमृत 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 दे दिए। अब यहाँ से मिलाया जा रहा। देखो यार अभी भीड़ कितनी हो चुकी है। फाइनल व्यू दिखा रहा हूँ, उसके बाद निकलते हैं घर से। हो सकता है कि हेली से चले जाएं। कहाँ है? बाप रे बहुत भीड़ है। तो मौसम काफी सुंदर रहा इस बीच, कोई बादल नहीं कुछ नहीं। तो चलते हैं यहाँ से, देखते हैं चार बाबा से। पहुंच गया हेली के पास, देखते हैं टिकट मिलता है तो हेली से जाते हैं वापसी। भोलेनाथ की कृपा से हमें रिटर्न टिकट हेली का मिल गया और आज मैं भी पहली बार हेली में बैठा। तो मुझे तो काफ़ी डर भी लग रही थी, ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है मुझे। तो देख सकते हैं आप नीचे काफ़ी अच्छा व्यू है और उस टाइम तो डर भी लग रही थी मुझे। तो इसके बाद हम 5-7 मिनट में ही फाटा पहुँच जाएंगे। फाटा से मुझे अपनी गाड़ी लेने वापस सोनप्रयाग आना पड़ेगा और उसके बाद हम निकलेंगे बद्रीनाथ को। सामने पे आ चुका है फाटा और अब हम बस कुछ ही देर में लैंड कर लेंगे। से सीतापुर तक के लिए मुझे एक टैक्सी मिली 600 रुपये में, जिसे किया बुक।
जा रहा हूँ अपनी कार लेने, तो उसके बाद जाना पड़ेगा पैदल। जी सीतापुर तक तो मैं पहुँच गया, अब यहाँ से मुझे 1-2 किलोमीटर पैदल ही रन करना पड़ेगा अपनी गाड़ी लाने के लिए, जो है सोन प्रयाग कार पार्किंग में। तो यहाँ बड़ा है यार, 10 किलोमीटर के 2000 इस टाइप की बुकिंग है। तो 2000 हमारे यहाँ तो 150 किलोमीटर का लेते हैं, तो कुछ भी कर रखा है। कोई बाइक वाइक मिला तो लिफ्ट लेनी होगी, वरना पैदल ही। मैं लिफ्ट को मिली लेकिन पैर में मोच आ गई। पैर में मोच आ जाने के बाद एक बाइक वाले से 50 रुपये में बुकिंग हुई, तो कार पार्किंग से निकल रहा हूँ। बाद में देख क्या हाल हुआ है पैर का। तो दोस्तों, पैर में मोच आने की वजह से स्वेलिंग आ गई, और इस वजह से हमें अपना बद्रीनाथ का टूर पोस्टपोन करना पड़ा। तो जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा फिर हम जाएंगे बद्रीनाथ। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग और निकल रहे हैं अब घर को। और अगस्त मुनि में नब्बू के हॉस्पिटल में दिखाया, रुद्रप्रयाग में भी दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ ना हो इसलिए सीधे ही घर को निकल रहे हैं। कुछ दिनों रेस्ट करने के बाद फिर बद्रीनाथ को निकलेंगे। तो दोस्तों, बागेश्वर पहुंच चुका हूं। मेरे साथ हो गई थी दुर्घटना, पैर में आ गई थी तगड़ी वाली मोच, दिखा भी नहीं सकता, पैर काफ़ी सूज गया, इसलिए बागेश्वर का क्या बद्रीनाथ का टूर करना पड़ा कैंसिल। तो अभी अब रात के बजने वाले हैं 9, तो बड़ी मुश्किल से बच चुके हैं। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ बागेश्वर में मिला है खाना, तो खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं। तो फिर भी बद्रीनाथ जाएंगे हम, फिर भी दिखाएंगे आपको जरूर।